नमस्कार जी, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? और आज मैं आप लोगों के सामने नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आंवले का अचार डाल रही हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कि हम लोग घर में आसान से तरीके से आंवले का अचार कैसे डालते हैं। और आंवले का अचार बहुत ही टेस्टी होता है और आजकल सर्दियों में बहुत ही अच्छा रहता है खाने में, गर्म होता है ये अचार और सभी लोग आंवले पसंद करते हैं। एक किस्म की तो दवाई होती है आंवले, आंवले का अचार भी, और आंवले भी कई तरीके से बनाते हैं लोग अचार, लेकिन हम सिंपल सा तरीका आजमाते हैं जो सभी लोग बना सकते हैं। ये देखिए जी, ये आंवले मैंने उबाल के धूप में रखे थे 2 दिन के लिए। अब ये सूख गए हैं, अब इसका अचार डालूंगी मैं। ये देखिए, अब ये सूख चुके हैं, इसका पानी सूख गया है। और ये मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में। और ये इसके लिए मसाले हैं इधर, ये है अजवाइन, और ये है जीरा, और ये मेथी, और ये मिर्च, और ये नमक, और ये हल्दी, और ये है राई। बस यही मसाले डालूंगी मैं इसमें, और सिंपल सा है जो कि हमारे पास घर में उपलब्ध होते हैं, और उसी से ये बना दूंगी। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है सिंपल से तरीके से। अभी तेल थोड़ा सा इसमें धुआं जैसा उठेगा ना, जब कट जाएगा थोड़ा सा, तब वो डालूंगी इसमें सब कुछ मसाला, फिर आंवले डालूंगी। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब आज मैं गैस के ऊपर ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने चूल्हे के ऊपर गाय के लिए ये दाड़ा छूट रखा है। दाड़ा बोलते हैं हम लोग गाय के लिए ताए। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी थोड़े थोड़े। पहले मैं मेथी डाल दूंगी, फिर जीरा डालूंगी, फिर हल्दी डाल दूंगी। अब डालूंगी इसमें आंवले डाल दिए। बहुत ही जल्दी बन जाता है अचार। कम आंच में थे मैंने रखे हुए, अब थोड़ी सी आंच बढ़ा दी है इसकी, थोड़ा सा इसको गर्म कर देंगे। और अब इसमें मिर्ची डाल दूंगी। मिर्ची तो डालनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं चारों और जल्दी खत्म हो जाता है। और अब डाल दूंगी अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही ज्यादा टेस्ट आता है अचार में। और अब डाल दूंगी नमक। ये देखिए, देखने को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो खाने को तो टेस्टी होगा ही होगा। और
और मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, बस ये घर में ही मसाले उपलब्ध है सारे, थोड़े थोड़े बस वही डाले। और अभी ये राई डाल दूंगी मैं इसमें। मैं अचार शाम को ही बनाती हूँ, ज्यादातर दिन को टाइम ही नहीं लगता है, फिर शाम को ही बनाती हूँ। ये देखिए और ये भी गाय के लिए भी बना रही हूँ साथ में ही। कुछ चावल डाले मैंने, कुछ दलिया डाला है मिक्स करके। देखिए बस अब तैयार हो चुका है अचार। खुद भी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ आंवले का अचार। मिक्स हो गया सारा मसाला, अब इसमें नमक भी सब कुछ मिक्स हो गया है पूरी तरह से। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब भी मैं इसको दीदे में डालूंगी, नहीं तो गर्म अचार खराब हो जाता है दीदे में। अब ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में।